फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो आज अंकित भैया जाग उठे हैं, कोमा से बाहर आ गए हैं और अपनी बहन को खुशते खुशते समर की मम्मी से पूछ रहे हैं कि मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन जेल में कैसे पहुँच गई और आप घर में अकेले अकेले क्या कर रही हैं। आपको भी जेल में जाना चाहिए था क्योंकि आप तो समर के साथ आप हैं मेन कल्प्रिट। तो अंकित भैया, आपसे मैं इतना पूछना चाहूँगी, एक ही सवाल कि आप गिरगिट का रंग कैसे बदल लेते हो? इतने दिन तक तो आप हैंड टू हैंड मिला के राधिका के पापा के संग आ रहे थे और यहाँ पे आप राधिका को इतना भड़का रहे थे कि समर को जेल भेजो, समर के लिए कुछ सोचो, समर को छोड़ दो, गुनगुन भी मेन बदमाश है, गुनगुन को भी तुम सज़ा दिलाओ, समर को भी सज़ा दिलाओ। तब तक तो आपको याद नहीं था कि गुनगुन आपकी सगी बहन है और आज आपको याद आ गया कि गुनगुन आपकी बहन है। आफ्टरऑल वो मेरी बहन है, वो कैसे जेल जाएगी, मैं तो नहीं देख सकता, गुनगुन को तो छोड़ाना ही पड़ेगा। 5 लाख रुपये आप पुलिस को देने के लिए रेडी हैं? अरे वाह, आप तो बड़े बड़े आदमी हैं भाई, 5 लाख क्या, मुझे 1 लाख कम से कम भेज दीजिए, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। ये तो आप तो अजीब और गरीब बात करते हैं। एक तो आपके पापा भी अजीब और गरीब बात करते थे और एक आप भी अजीब और गरीब बात करते हैं। आप लोग पूरा खानदान पागल हो क्या कि आप लोग हम लोग को साइको समझ बैठे हो? और यहाँ पे राधिका की सास समर की मम्मी से मैं बोलना चाहूँगी, वाह, आपको राधिका ने कब थप्पड़ मार दिया? आप जो बोल रही हैं आपको आपकी बहू ने थप्पड़ मारा था, वो बेचारी, इतना उसके संग नाइंसाफ़ी हुआ है तो वो थोड़ा गलत जोड़ करके किया, आप लोग के सामने खड़ी हो गई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपको थप्पड़ मारी है? आपके लिए गुनगुन जैसी बहू ठीक है, आज तो आपने कबूला ना कि गुनगुन आपकी बहू है। अब गुनगुन राधिका से फार बेटर थी, वो कम से कम समर को जेल नहीं भेजी। हाँ, नहीं भेजी, उसको भेजना चाहिए था समर को जेल, उसी को पहले भेजना चाहिए था। वो क्यों नहीं भेजी? क्योंकि उसको अपना घर नहीं संभालना था, उसको अपना घर तोड़ना था, इसलिए वो समर जो करता है करे, भाड़ में जाए, मैं तो समर से प्यार करती, बस मेरे लिए उतना ही बहुत है, ये उसका वो था, उसका सोच। और दूसरी बात, आप जो बोल रही हैं कि गुनगुन आपके समर की बच्चे की माँ बनने वाली है, ये तो डीएनए रिपोर्ट से आगे ही साबित हो गया कि वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी आप लोग तो चीख चीख के बोलिएगा तो क्या हम लोग अब सच मानेंगे? हम लोग तो कब सच मान के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है, गुनगुन जैसी बहू ही आपको डिजर्व करती है, आप उसी को आप लेके रहो। आपको जब वो झाड़ू कटका मार के आपके गले को पकड़ के जब घर से बाहर निकालेगी ना, तब आपको मज़ा आएगा। आपको पुलिस क्यों नहीं ले गया, ये तो मेरे पास ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि समर के बाद तो पुलिस आपको ले जाना चाहिए था। और ये लोग पुलिस के सामने इतने ज़ोर से बात करते हैं, खासकर अंकित, आप लोग तो इतने ज़ोर से बात करते हो जैसे पुलिस को लगता है आप लोगों ने ही खरीद रखा है। और यहाँ राधिका के पापा को मज़ा चखाओगे तो चखाओ मज़ा, वो लोग तो हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं। अगर आप मज़ा चखा सकते हो तो वो लोग भी कम नहीं है, वो लोग भी आपको मज़ा चखा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। आज अंकित तो लगता है कोमा से बाहर निकल के अपनी बहन को खोजते खोजते समर के घर तक आ गया है। इतने दिन तो कुछ और उसकी राग अलाप रहा था और आज कुछ और ही सुर निकल रहे गले से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे ब्लॉग को जिसने पसंद किया प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक ही बाय बाय।